हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6 में आपके 6 टॉपिक थे। पहला हो गया था अवकलज दरमापा के रूप में, ये आपका दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एंड ह्रासमान फलन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपकी, चूंकि सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंतर्गत, वर्तमान और ह्रासमान फलन के अंतर्गत आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मात्र 10 कर लीजिए। ये जो मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए, यदि आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं वर्धमान और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंतर्गत, तो आपके पर्याप्त रहेंगे और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चैप्टर नंबर 6 में जो हमारे 6 टॉपिक हैं, अवकलज दरमापक के रूप में, वर्धमान ह्रासमान, स्पर्शरेखा अभिलंब, और इसके बाद आता है सन्निकटन, उच्चतम निम्नतम और उच्चतम निम्नतम के अनुप्रयोग, ये आपके 6 टॉपिक रहते हैं, जिसमें हमारा ये दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। इसके आपको टोटल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लगा लेने हैं, वो आपके 10 हैं। ये इससे ये लगा लेते हैं तो इसके बाहर आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 out of 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 out of 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए, तो उस वीडियो के आधार पर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से, एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहां से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्वड लगाएं, ठीक है, अनसॉल्वड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है, अनसॉल्वड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं, और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं, और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है, अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया, तो आपको 100 out of 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात है अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जीतोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए, तो फिर आपको 100 out of 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, और आप अनसॉल्वड देख सकते हैं, अनसॉल्वड आप ज़रूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी ज़रूर करें। खास बात ज़रूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो, और आपके दिमाग में आपका सिलेबस ज़रूर हो। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, वर्धमान और ह्रासमान वाले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, करना क्या होता है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन,
समझो, तो पहले तो ग्राफ में बात कर लेते हैं। और वर्धमान और ह्रासमान से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से आप समझ पा रहे हो, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, ठीक है, और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। तो यहाँ आप ग्राफ में देख पा रहे हो कि अगर कोई इस प्रकार से ग्राफ दिया है तो ये आपका कहलाता है वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर कोई ग्राफ बिल्कुल सीधे ही बढ़ता जा रहा है, यहाँ आपने देखा था कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो बढ़ा, ठीक है, ये बढ़ा इतना और फिर ये इतना एक स्लाइटली सीधा चला और फिर बढ़ने लगा, तो ये कहलाता है वर्धमान फलन। और अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट से बढ़ता जाए तो उसको कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सेम आपका ह्रासमान में हो जाता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन घटता जा रहा है, इस प्रकार से आप देख रहे हो, पहले घटा, फिर एक जगह रुक गया, स्टॉप हो गया, एक सीधी लाइन में गया और फिर घटने लगा, तो ये कहलाता है ह्रासमान फलन, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन सीधा घटता ही जा रहा है तो उसे अपन निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोल लेते हैं। अब निकालते कैसे हैं, ज्ञात कैसे करते हैं वो देख लो, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से कि एफ एक्स एक वास्तविक फलन है जो बंद अंतराल AB पर सतत है तथा खुले अंतराल AB पर अवकलनीय है, ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से दे रहा है फलन, एफ एक्स कह रहा है फलन, और आपको ज्ञात क्या करना है ये समझो कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू AB के लिए, एक्स बिलोंग्स टू AB के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स अंतराल AB पर वर्तमान है। इसका मतलब क्या कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स का मान अगर 0 आ रहा है या 0 से बड़ा पॉजिटिव धनात्मक संख्या आ रही है तो उसे अपन वर्धमान कह देंगे, और अगर 0 ना आकर, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन अकेला 0 है तो उसे अपन निरंतर वर्धमान कह देंगे। क्या अंतर है समझ लो एक बार फिर से। यहां आप देख पा रहे हो इस जगह पर आपने नोटिस किया कि जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आप कह रहे हैं वर्धमान है, और अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू नहीं लगा, मतलब सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो उसे अपन निरंतर वर्धमान कह रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू AB के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, अब अगर लेस देन इक्वल टू 0 कह रहा है तो अपन कह देंगे ह्रासमान, ठीक है तो एफ डैश एक्स अंतराल AB पर ह्रासमान है। इसके अलावा यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू AB के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो एफ एक्स अंतराल AB पर निरंतर ह्रासमान है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। देखिए यहां पर था एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 के बराबर या 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव संख्या, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो उसे अपन ह्रासमान कह देंगे, लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं है, लेस देन में इक्वल टू का निशान नहीं है तो उसे अपन निरंतर ह्रासमान बोल देंगे, ठीक है। ये आपको रखना है, ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए वर्धमान हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए निरंतर वर्धमान हो जाएगा, इसके अलावा लेस देन इक्वल टू के लिए ह्रासमान और लेस देन के लिए निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने याद करने के मद्देनजर ये आपको डायरेक्ट लिख दिया है, इसको आप याद रखिएगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वर्धमान है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो निरंतर वर्धमान हो रहा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो ह्रासमान हो रहा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो निरंतर ह्रासमान हो रहा, ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी। अब एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एक साइड एक बार में अवकलन, एक बार अवकलन करेंगे और देखेंगे। बेसिकली वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में अपन चिन्ह देखते हैं, प्लस का चिन्ह आएगा तो वर्धमान, माइनस का चिन्ह आएगा तो ह्रासमान, ठीक है, देखते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन दिया इस प्रकार से कि किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स वर्धमान होगा, ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा आगे इस तरीके के सवाल आपको करने, किस प्रकार से होना। एफ एक्स मान लिया, माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एक्स, एक बार अवकलन कर देंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, और यहां पर आपको फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, तो यहां से हो जाएगा एफ डैश एक्स, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और ई की पावर माइनस एक्स का तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का कर देंगे माइनस एक प्लस ई की पावर माइनस एक्स और 2x। अच्छा कॉमन क्या निकलना, पहली बात तो x और इनटू में e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकल आएगा, पहले से बचेगा माइनस एक्स, दूसरे बचेगा एक, दूसरे से बचेगा दो, ठीक है, तो यहां से बच जाएगा दो ले लेंगे तो ये बच गया दो, तो इसको अपन लिख सकते हैं x इंटू ई की पावर माइनस एक्स
और 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और एफ डैश एक्स, एक काम और, ठीक है इतनी पर्याप्त, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको गौर करनी है, याद रखिएगा, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का मान सदैव धनात्मक होता है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखिएगा, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखिएगा, e की पावर माइनस एक्स का मान सदैव धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स का मान मान सदैव धनात्मक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप गौर क्या करते हैं कि अगर अपन इसको एफ डैश एक्स बराबर जीरो करें, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो करेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना था, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स बराबर जीरो। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान देखो, एक्स का मान एक तो जीरो आएगा और दूसरा 2 आएगा, ठीक है ना। यहां से इस एक्स से मिल जाएगा 0 और इस 2 माइनस एक्स से मिल जाएगा एक्स का मान 2। अब करते क्या है समझो, ये चीज हर जगह लगेगी। आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स का मान आपको बराबर 0 रखना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर यहां से अंतराल बनाओगे, फिर यहां से क्या बनाओगे, अंतराल बनाओगे। तो कैसे अंतराल, कि 0 के इस तरफ आप रखोगे माइनस इन्फिनिटी और 2 के इस तरफ आपको सोचना है इन्फिनिटी। तो अंतराल किस तरह से बन जाएंगे, आप ये बना रहे हो अंतराल, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिखा है, आपको सीधे अंतराल बनाना है। तो अंतराल क्या हो जाएगा, अगर मैं अंतराल की बात करूं तो अंतराल आप देखो, इन्फिनिटी के लिए हमेशा खुला अंतराल लेना, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, इस तरीके से, और फिर 0 से आप 2 ले रहे हैं और 2 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। और यहां पर आपको अब ये सोचना है कि कौन से अंतराल में पॉजिटिव होगा चिन्ह, कौन से अंतराल में निगेटिव चिन्ह होगा, कौन से अंतराल में पॉजिटिव चिन्ह होगा और कौन से अंतराल में निगेटिव चिन्ह होगा। तो समझिए, यहां पर ये वैल्यू पॉइंट आउट थी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर आपने माइनस इन्फिनिटी से, बात समझना मेरी, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में रखा, मतलब 0 से आप छोटी वैल्यू रखो, माइनस एक रखो, अगर आपने एक्स का मान माइनस एक रखा, यहां पर माइनस एक रखा, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह ये वाली वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स तो हमेशा धनात्मक रहेगा। और 2 माइनस एक्स, अगर 2 माइनस एक्स में एक्स की जगह माइनस रखोगे, माइनस एक, तो कितना मिलेगा, 2 माइनस माइनस 1, यानी हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो यहां से तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का और ये रहा चिन्ह माइनस का। तो यहां से इस जगह से आपको मिलना है निगेटिव का चिन्ह, किसका चिन्ह मिलना है, माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर 0 से 2 के बीच में अगर आपने रखा, 0 से 2 के बीच में 1 रख के देखो, अगर आपने 1 रखा, समझना बात को, अगर आपने 1 रखा, यही चीज करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से अंतराल बना लोगे, फिर आप उनके बीच में कोई एक वैल्यू पुट करके देखोगे और देखोगे कि चिन्ह कौन सा आ सकता है, समझना बात को। एक बार फिर से इस तरीके से मैं आपको रफ में बता रहा हूं कि एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, पहला क्या था, पहला था माइनस इंफिनिटी से 2, अब 0 से माइनस इंफिनिटी से 0, अब 0 से छोटी चीज क्या सोच सकते हो, 0 से छोटी चीज आपने माइनस एक सोचा, ठीक है। तो अगर आपने माइनस एक रखा तो एक्स की जगह माइनस एक, ई की पावर माइनस एक्स का मान तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहां पर मिलेगा प्लस का चिन्ह, और यहां पर 2 माइनस और माइनस 1, तो यहां पर कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी प्लस का चिन्ह मिलेगा कि नहीं, यहां से, यहां से प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस है, तो चिन्ह काय का आएगा, चिन्ह मिलेगा माइनस का। आप समझ में आई बात मेरी। फिर 0 से 2 के बीच में आप सोच रहे हो, तो 0 से 2 के बीच में आपने 1 ले लिया, किसको ले लिया, प्लस 1 को। अब प्लस 1 की वैल्यू अगर आप x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स में रखेंगे, यहां पर x की जगह 1 रखा, इसकी वैल्यू तो हमेशा प्लस में रहेगी, यहां पर 2 माइनस 1 रखा, तो देखो क्या मिलेगा, ये 1 का मतलब प्लस है, प्लस है, और 2 में से 1 गया तो 1 मिलेगा जो कि प्लस का होगा। तो फाइनल यहां पर 0 से 2 के बीच में आपको कौन सा चिन्ह मिलना है, प्लस का चिन्ह मिलना है, ठीक है। 0 से 2 के बीच में किस तरीके का चिन्ह मिलना है, प्लस का चिन्ह। और 2 से इन्फिनिटी की अगर मैं बात करता हूं, 2 से इन्फिनिटी के लिए, तो 2 से बड़ा वैल्यू कितने, 3 होगा, ठीक है। तो अगर आपने 3 रखा किसमें, एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स में अगर 3 रखा, तो यहां 3 रखो, इसकी वैल्यू तो हमेशा प्लस में रहेगी, यहां पर 2 माइनस 3 कर रहे, तो 3 किसमें है, प्लस में है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस में है, और 2 माइनस 3 कर रहे हो तो माइनस 1 मिलेगा जो कि चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहां से किसका चिन्ह मिला, माइनस का चिन्ह मिला। तो अब बात समझे, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, और इसके बाद आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए अंतराल बनाना है, और फिर सोचना है कि किस अंतराल में चिन्ह कौन सा आ सकता है,
समझे ना। अभी देखो लिखना किस प्रकार से, बस यही चीज स्टूडेंट नहीं समझ पाता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको फिर से मेरी बात पूरे अच्छी तरीके से समझनी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात मैं कह दूं, बोर्ड एग्जाम में वर्तमान और आसमान के कॉन्सेप्ट बहुत कम आता है। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे और इसके अलावा 2020 और 2019 के पेपर उठा के भी देखोगे तो आपको वर्तमान और आसमान का कॉन्सेप्ट बहुत कम मिलेगा, आता ही नहीं है वर्तमान और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन। तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहो, अगर आप सोचो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, वैसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई हायर स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको समझ में तो आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो किस प्रकार से अपन लिख देंगे, तो यहां से आप लिख रहे हैं इस प्रकार से, ये तो हो गया था माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ठीक है। तो यहां से आप कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है वो कैसा है, ऋणात्मक, ठीक है। चिन्ह आया था कैसा, ऋणात्मक। और जीरो से दो में, जीरो से दो में चिन्ह में एफ डैश एक्स हो गया था धनात्मक, ठीक है। और दो से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स आ गया था ऋणात्मक, ठीक है। ये तो वो कह रहा था कौन से अंतराल में वर्तमान होगा, किस अंतराल में वर्तमान होगा। तो आप देख पा रहे हो कि वर्तमान कहां होता है, धनात्मक के लिए। तो आप कह रहे हो कि जीरो से दो में जो फंक्शन है वो वर्तमान होगा, ठीक है। तो अतः जो एफ है फलन वो जीरो से दो में वर्तमान रहेगा, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहां से आप कह देंगे कि अतः फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू में वर्तमान है, ठीक है। एक चीज और मैंने यहां पर थोड़ा आपको बताया नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, बाकी सबके लिए कैपिटल ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जहां जहां मैंने, यहां पर आपको जीरो के लिए कैपिटल ब्रैकेट ले लो, जीरो दो के लिए कैपिटल ब्रैकेट और दो के लिए, ठीक है, बंद अंतराल इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज और फिक्स कर लेनी है इस बात को ध्यान रखते हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीज और फिक्स कर लेनी है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी सब में, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी सब में आपको कैपिटल में बड़ा वाला ब्रैकेट ब्रैकेट ले लेना, अब सही है, ठीक है। अतः फलन एक्स बिलोंग टू जीरो से टू में वर्तमान है, ठीक है, इसके लिए हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया कि निर्धारित कीजिए कि एक्स के किन मानों के लिए फलन y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब अपॉन 3 वर्तमान है, तथा किन मानों के लिए है हासमान। सिंपल सवाल है, हासमान वर्तमान अगर आपको सीखना है तो ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझिएगा, हो क्या रहा, ठीक है। देखिए करना किस प्रकार से, तो मान लेंगे y एफ एक्स बराबर, फंक्शन मान लिया एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब अपॉन 3, अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो एफ डैश एक्स बराबर अवकलन डायरेक्ट करते हैं, एक्स की पावर 4 का कितना होगा 4 एक्स की पावर 3 माइनस 4 बटे 3 को बाहर निकालते हैं और एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, इतना ही होगा बिल्कुल। फिर क्या करना है, 4 एक्स की पावर क्यूब माइनस 3 से 3 कट जाएगा और यहां ले रहे हैं अपन 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर वर्तमान और ह्रासमान ज्ञात करने के लिए आप क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, पहले यहां से कॉमन निकाल लो, ठीक है, यहां से आप कॉमन देख पा रहे हो, तो ये एफ डैश एक्स बराबर 4 एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 आ गया। तो यहां से आप कह रहे हैं वर्तमान और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तो यहां से क्या कह दिया 4 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। देन एक्स की वैल्यू फाइंड किया अपन ने, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गया मान 0 और एक वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। 4 एक्स स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर के लिए मिलेगा 0 और एक्स माइनस 1 के लिए मिलेगा 1, समझते हो आप इतनी बात को मेरी, ठीक है। एक्स एक्स 0 और 1। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 0 के इस तरफ पहले ले लेंगे माइनस इनफिनिटी और 1 के इस तरफ ले लेंगे प्लस इनफिनिटी, तो अंतराल आप क्या बना दोगे, अगर मैं बात करूं अंतराल की, और ये आपको अपने फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, नहीं, आप जब क्वेश्चन में सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अंतराल लेंगे इस प्रकार से। अंतराल कितने हो जाएंगे, अंतराल ये आएगा माइनस इन्फिनिटी के लिए याद रखना ये स्मॉल ब्रैकेट, और जीरो के लिए कैपिटल, फिर इस प्रकार से 0, 1 और 1 और इन्फिनिटी, ठीक है, इस प्रकार से अंतराल ले लोगे, बात समझ में आई। तो इस तरीके से चीजें करनी। अब आप ये देखोगे कि तीनों अंतराल में किस में एफ डैश एक्स का मान प्लस में आएगा, किस में माइनस में आएगा, सिंपल फिर से समझाता हूं करना किस प्रकार से। आपको जो एफ डैश एक्स मिला था
एफ डैश एक्स मिल गया था 4x² x-1। अब पहले अंतराल की बात कर लेते हैं, ठीक है, 4x² पहला पहला अंतराल ये दिया, तो 4x² x-1। माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए अगर आप सोच रहे हो तो जीरो से छोटी वैल्यू क्या सोच सकते हो, जीरो से छोटी वैल्यू आप माइनस एक सोच सकते हो। अब अगर आपने एक्स के स्थान पर माइनस एक रखा तो क्या मिलेगा आपको, देखो 4 - 1² - 1 - 1। तो यहां पर देखो 4 है और माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, और माइनस एक और माइनस एक होगा माइनस का 2। तो चिन्ह किस प्रकार से मिलेंगे, एक चिन्ह तो है प्लस का और एक चिन्ह है माइनस का, ठीक है ना, चिन्ह माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह का आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहां पर पहले पहले अंतराल में किस तरीके का चिन्ह आ रहा, पहले अंतराल में माइनस के चिन्ह आपको मिलना, पहले अंतराल में किस प्रकार का चिन्ह मिला माइनस का। इसी तरह चिन्ह देखना आपको, माइनस का मतलब ह्रासमान हो जाएगा और प्लस का मतलब आपका वर्धमान हो जाएगा। और जीरो से एक के लिए आप सोच लीजिए, 1/2 सोच लेते हैं, अगर आपने वैल्यू 1/2 रखी, कितनी वैल्यू 1/2 रखा, तो ये आपको दिया था 4x² x-1, तो ये आएगा 4 1/2 का स्क्वायर और 1/2 - 1, तो कितना मिलेगा 4 × 1/4 हो रहा है यहाँ पर, और ये हो रहा है माइनस का 1/2। 1/2 में से माइनस एक जाएगा तो माइनस का 1/2, यानी चिन्ह किसका, ये पहला चिन्ह प्लस का हो गया, दूसरा चिन्ह माइनस का हो गया, तो ओवरऑल चिन्ह का आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहां से भी आपको पहले चिन्ह मिला माइनस का, फिर भी अब अगली बार भी चिन्ह किसका मिल रहा, माइनस का ही चिन्ह मिल रहा, ठीक है। तो इनका यूनियन कर देंगे आप, किस प्रकार से करेंगे समझते हैं। तो अगली बार यहाँ पर दूसरे अंतराल के लिए भी चिन्ह किस तरीके का मिला, यहाँ पर मिला चिन्ह माइनस का। अब एक से इन्फिनिटी की बात कर लो, तो यहाँ पर आप 2 रख के देख लो, ठीक है, तो कितना था 4x² x-1, x की जगह 2 रख के देखते हैं, 4 2 का स्क्वायर और 2 - 1, तो यहाँ देखो 4 4 और 1 मिलेगा, तो चिन्ह आप देख पा रहे हो सब प्लस प्लस में। तो फाइनल में यहाँ पर एक से इन्फिनिटी के लिए आप किस तरीके का चिन्ह मिला, प्लस का चिन्ह मिला, ठीक है, प्लस का चिन्ह। तो आपने ये देखा कि जो पहला अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए, उसके लिए चिन्ह माइनस, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए ह्रासमान, जीरो से एक में चिन्ह माइनस, यानी जीरो से एक के लिए ह्रासमान हो जाएगा, और एक से इन्फिनिटी के लिए प्लस आ रहा, नहीं एक से इन्फिनिटी के लिए वर्धमान हो रहा। तो यहां पर आप क्या कह रहे हो कि एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स है वो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन, क्योंकि दोनों के लिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से वन के लिए निगेटिव हो रहा, तो यूनियन कर देंगे, और जीरो से वन में ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और यूनियन जीरो से एक में ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान है। ये तो बात हो गई ह्रासमान की, अब बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान कितने हो रहा है, एक से इन्फिनिटी में। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन से इन्फिनिटी, किसमें, वन से इन्फिनिटी में, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी में धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है, इसलिए फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी में वर्धमान है, ठीक है। वो यही पूछ रहा था किसमें ह्रासमान है किसमें वर्धमान है, तो आपने दिखा दिया ये हो गया ह्रासमान और यहां पर आपने दिखा दिया वर्धमान, ठीक है, समझ गए होंगे आप इस तरीके से सवालों को लगाना है, वर्धमान ह्रासमान वाले। कोई भी दिक्कत होती है तो आपको फिर से मेरी बात को समझना है, सुनना है अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, और फिर से रिपीट करके इस सवाल को अच्छी तरीके से लगा लेना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा आपको यदि माइनस एक से एक से असंयुक्त एक अंतराल आई है। अब माइनस एक से एक असंयुक्त कह रहा, मतलब इसको छोड़ के कहेगा, आगे देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि आई पर फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वर्धमान है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि वो कह रहा माइनस एक से एक असंयुक्त एक अंतराल, ठीक है, और वर्धमान पूछ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस एक से एक में वो वर्धमान नहीं होगा, ठीक है, जो फलन दिया है माइनस एक से एक में आपको बताना है कि वर्धमान नहीं है, क्योंकि वो कह रहा असंयुक्त फलन, समझ गया बात। तो माइनस एक से एक में अपन ह्रासमान दिखा देंगे,
और इसके अलावा अगर कोई और अंतराल होंगे तो उसके लिए वो वर्धमान दिखा रहा होगा, ठीक है। तो करना क्या, किस प्रकार से फलन ये ले लिया अपन ने और एक्स के साथ एक अवकलन कर देंगे, तो एक्स के साथ एक अवकलन करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स का हो जाएगा वन और प्लस एफ वन अपॉन एक्स का क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर माइनस एक कर सकते हैं, एक्स की पावर माइनस एक लिख लिया, ये हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। यहां से एफ डैश एक्स ये हो गया वन। अच्छा ये प्लस घात का क्या होता, घात आगे आएगी और घात में एक की कमी कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस दो, यानी वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लासा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एफ डैश एक्स मिल गया अपन को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए इतना आप लिख देंगे एफ डैश एक्स बराबर जीरो, वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर वन, ठीक है। तो यहां से अपन को मिल गया एक्स स्क्वायर बराबर वन, यानी एक्स बराबर अंडर रूट एक, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस एक, यानी एक्स बराबर आप कह सकते हैं माइनस एक और प्लस एक। और आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी इस तरफ ले लेंगे, यहां ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहां ले लेंगे प्लस इन्फिनिटी। तो अब अंतराल क्या बन जाएंगे, यहां से आप देख पा रहे हैं अंतराल निकाल लिया आपने, अंतराल अंतराल आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक, ठीक है, और फिर माइनस एक से वन एंड वन से इन्फिनिटी, ये अंतराल आपने तीन ले लिया। अब तीन के लिए आप देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, यानी जीरो से छोटी वैल्यू आ रही है, जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो पहला आपने अंतराल पकड़ लिया माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक। अब माइनस एक से छोटी संख्या सोचिए, माइनस एक से छोटी संख्या आपने सोची माइनस दो, और एफ डैश एक्स कितना था, एफ डैश एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। और ये सारा काम जो चिन्ह ढूंढने का काम होगा वो आप रफ में करोगे, ठीक है ना। आप ये बताओगे कि इस अंतराल में कौन सा चिन्ह आ रहा है। अगर आपने माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक के लिए माइनस दो वैल्यू रखी है एक्स में, तो यहां से क्या होगा माइनस दो स्क्वायर माइनस एक बटे माइनस दो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये मिलेगा चार माइनस एक बटे चार, यानी कि तीन बटे चार मिला। तो चिन्ह काय का मिला, प्लस का चिन्ह मिला, बिल्कुल पहले अंतराल के लिए, यहां पर पहले अंतराल में प्लस का चिन्ह मिला। दूसरे की बात कर लेते हैं माइनस एक से एक। अब माइनस एक से एक के बीच में आप कई संख्याएं सोच सकते हो, जैसे माइनस एक बटे दो सोच लीजिए, एक बटे दो सोच लीजिए, एक बटे चार सोच ले सकते हैं, तो जो आपको मन है, जो आपकी जीरो नहीं सोचेंगे, ठीक है, जीरो नहीं रख सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा माइनस एक से एक के बीच में, क्योंकि अगर आपने जीरो रखा तो यहां पर ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो जीरो नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माइनस एक से एक के बीच में हमने सोच लिया एक बटे दो। अब अगर एक बटे दो वैल्यू आप पुट करते हो, तो यहां पर वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट करिए अपन ने, तो ये कितना मिलेगा एक बटे चार माइनस एक बटे चार, तो ये हो जाएगा ऊपर लासा लेंगे तो वन माइनस फोर अपॉन वन अपॉन फोर, चार से चार कट जाएगा लेकिन मिलेगा आपको माइनस तीन बटे एक। माइनस तीन बटे एक का मतलब चिन्ह आपको जो मिला वो माइनस का मिला, काय का चिन्ह मिला यहाँ पर, ये जो चिन्ह मिल रहा है वो माइनस का चिन्ह मिल रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें वन से इन्फिनिटी, अब वन से इन्फिनिटी के लिए आप दो रख के देख लो, और जैसे ही आपने दो रखोगे तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह मिलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में रखो तो दो का स्क्वायर माइनस वन बटे दो का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फोर माइनस वन अपॉन फोर, यानी कि थ्री बटे चार, चिन्ह काय का मिला प्लस का। तो मैंने क्या बोला था, सवाल आपसे ये कह रहा था कि जो ये दिया माइनस वन से वन के लिए, माइनस वन से वन के लिए असंयुक्त फलन, और उसके लिए वर्धमान दिखाना था। इसका मतलब यह कि माइनस वन से वन को छोड़ के बाकी जो कुछ भी होगा उसके लिए वर्धमान दिखा दो, बात समझ रहे। माइनस वन से वन के लिए आपको ह्रासमान दिखाना था एक्चुअली में, तो आपने दिखा दिया कि माइनस वन से वन के लिए वर्धमान नहीं है, या असंयुक्त फलन जो कि है उसके लिए वर्धमान है, ठीक है। माइनस एक से एक को छोड़ के बाकी सबके लिए वर्धमान है, माइनस एक से एक, माइनस एक से एक को छोड़ के बाकी सबके लिए वर्धमान आप दिखा रहे हो, इस प्रकार से आप लिख दोगे। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अतः माइनस एक से असंयुक्त अंतराल में, माइनस एक से एक, माइनस वन टू वन, ठीक है, माइनस वन टू वन से असंयुक्त अंतराल में, असंयुक्त अंतराल का मतलब माइनस एक और एक को छोड़कर, मैं आई पर, आई यहां पर पूर्णांक संख्या को बता रहा, आई पर फलन एफ एक्स वर्धमान है, तो इस प्रकार से आपने दिखा दिया। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, ये इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स
अंतराल 0 से पाई बाई 2 पर निरंतर वर्धमान है, अंतराल पाई बाई 2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है, और सी कह रहा है 0 से पाई पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो देखते हैं, सवाल बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो फलन एफ एक्स ले लिया, साइन एक्स जो आपको दिया है, एक्स के साथ आपको पता अवकलन कर दोगे, यानी डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर मिल गया कॉस एक्स। पहला सवाल कह रहा था इसमें कि अंतराल 0 से पाई बाई 2 पर निरंतर वर्धमान है ना। तो एक बात सोचो कि अगर हम बात करें पहले अंतराल के लिए जो कि x belongs to 0 से pi by 2 में हो गया, 0 से pi by 2 का अर्थ क्या हुआ, 0 से 90 डिग्री, pi by 2 90 डिग्री होता है। 0 से pi by 2 के लिए जो 0 से 90 डिग्री कह रहा है, cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है भाई। 0 से 90 में अगर हम कोई भी आपका त्रिकोणमिति अनुपात sin cos tan cot sec cosec की बात करें किसी के भी, तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब जब सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्लस के लिए क्या होता है, वर्धमान होता है। तो यहां पर क्या कह रहे हो कि अंतराल x belongs to 0 से पाई बाई 2 में cos x greater than 0, cos x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, प्लस पॉजिटिव होती है। तो यहां से आप कह रहे हो कि इसलिए f dash x greater than 0, तो यहां से कह दिया कि अतः आते हैं। बस कुछ नहीं, इतना ही कहना भाई, f dash x आपको पता है जो f dash x है वो cos x है, और cos x का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होता है। तो आपने कह दिया कि अतः x belongs to 0 से pi by 2 में फलन वर्धमान है, बस सिंपली वर्धमान है, इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है। अब आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है भाई। अगला कह रहा है कि वो अंतराल पाई बाई 2 से पाई पर, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई कितना हो गया 90 से 180 डिग्री, पाई बाई 2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर लिखना है, फलन वर्धमान यहां पर आप निरंतर और लिख लेंगे। ठीक है, निरंतर वर्धमान हो रहा था। अगला पॉइंट कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि अंतराल अंतराल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई में, ठीक है, यानी 90 डिग्री से 180 के लिए। अब 90 डिग्री से 180 दूसरा चतुर्थांश होता है, और दूसरे चतुर्थांश में आपको पता है कॉस की वैल्यू 0 से छोटी होती है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस जो होता है वो दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है। यानी कि यहां से आप कह रहे हो कि दूसरे चतुर्थांश में cos x less than 0, इसलिए f dash x less than 0, और जब f dash x less than 0 है तो यहां से क्या कहेंगे कि अतः x belongs to pi by 2 से pi में फलन fx, फलन fx निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर ह्रासमान है, इतना आप बोल देंगे, बस सिंपली इतना करना अपन को। और आपने ये देखा, आपने ये दो चीजें सिद्ध कर दी कि भाई पहले वाले में सिद्ध कर दिया कि 0 से पाई बाई 2 पर निरंतर वर्धमान हो गया, फिर दूसरे वाले में सिद्ध किया पाई बाई 2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान हो गया। तो बस आपको ये चीज लिख देनी है कि दोनों को मिला के भाई 0 से पाई बाई 2 हुआ और पाई बाई 2 से पाई, तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से पाई, अगर दोनों को मिला लें तो कितना हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा अंतराल 0 से पाई। और 0 से पाई के लिए फिर ना तो वो वर्धमान कहलाएगा और ना ही ह्रासमान कहलाएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में वर्धमान हो रहा था, दूसरे चतुर्थांश में ह्रासमान हो रहा था। तो आप क्या कह देंगे कि अगर दोनों को मिलाया तो उस स्थिति में आप कह देते हो कि ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको मात्र ये लिख देना है कि ए और बी के आधार पर फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, इतना आपको लिख देना बस मात्र। और एक बात को और याद रखना है कि सवाल, ये वाला जो सवाल है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लो मतलब ये वो इतना दे दे कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स अंतराल 0 से पाई पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, वो सवाल इतना भी दे सकता है, मात्र इतना कह देगा कि इतना दे देगा पोर्शन, और सी वाला डायरेक्ट पूछ लेगा, वो ए और बी नहीं देगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ए और बी, पहला चतुर्थांश 0 से पाई के लिए कितना, 0 से पाई के लिए पहला और दूसरा दो चतुर्थांश हो जाएंगे, उस स्थिति में पहला चतुर्थांश 0 से पाई बाई 2 और दूसरा पाई बाई 2 से पाई के लिए आप अपने मन से लोगे। दो अंतराल ये जो आपके दिए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों अंतराल आपको स्वयं लेने पड़ेंगे और फिर आपको प्रॉपर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। सवाल इतना भी पूछ सकता है, बात समझ में आई, मतलब वो कह देगा कि एफ एक्स बराबर साइन है और कह देगा कि 0 से पाई बाई 2 पर सिद्ध करो ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, तब उसके लिए आपको ये पूरा लगाना पड़ेगा जो अभी तक लगाया, लेकिन आपको ये दो चीजें नहीं दी रही होंगी, तो आपको अपने मन से लेके करना पड़ेगा।
समझ गए बात। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इस प्रकार से दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि माइनस एक से एक में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, माइनस एक से एक में कह रहा है, फलन दे रहा है, तो फलन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे जो कि आपको पता है सीधे सीधे। सबसे पहले तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर यहां हो रहा है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डायरेक्ट कर दीजिए तो भी कोई समस्या नहीं है। यहां से कितना मिल जाएगा 2x माइनस एक्स का हो जाएगा एक और वन का हो जाएगा जीरो, तो f डैश x कितना मिल गया, f डैश x आ गया 2x माइनस एक। अब आप लिख देंगे वर्धमान और ह्रासमान के लिए, ठीक है वर्धमान और ह्रासमान के लिए यहां से f डैश x ले लेंगे जीरो के बराबर, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 2x माइनस वन बराबर जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस एक उस जाएगा तो प्लस का एक, x आ गया वन अपॉन टू, दो का भाग हो जाएगा। अब आपको जो सवाल दिया था वो कह रहा था माइनस एक से एक में, माइनस एक से एक में, तो आप जब अंतराल बनाते थे तो क्या करते थे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लेते थे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे माइनस एक से एक में कह रहा, तो यहां पर ले लेंगे माइनस एक और इस तरफ ले लेंगे प्लस एक, और दो अंतराल निकाल के दिखाएंगे आप। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया दो अंतराल बनाए, अंतराल, अब ये दो अंतराल कौन से होगा, एक तो हो गया माइनस एक से एक बटे दो के लिए, ठीक है, और दूसरा ले लेंगे एक बटे दो से, एक बटे दो से, एक बटे दो से प्लस एक के लिए। ठीक है, ये दो अंतराल आप ले लेंगे, और सवाल मैं आपको कह रहा था कि माइनस एक बटे माइनस एक से एक में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो इन दोनों में से, इन दोनों में से किसी में एक में आएगा वर्धमान और किसी एक में आएगा ह्रासमान, तो दोनों इकट्ठे के लिए ना तो वर्धमान हो जाएगा ना ह्रासमान हो जाएगा, बस इस तरीके से आपको दिखाना। चलिए देख लेते हैं, तो यहां पर आपने ले लिया, ये हो गया इस तरीके से। अब चिन्ह देखते हैं भाई, चिन्ह क्या आएगा, माइनस एक से एक बटे दो के बीच में आप क्या सोच सकते हो, जीरो सोच लो, जीरो सोच लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जीरो सोचा, या फिर एक काम कीजिए कि माइनस एक से एक बटे दो के लिए आप माइनस एक बटे दो सोच लेते हैं। ठीक है, माइनस एक से बड़ी वैल्यू माइनस एक बटे दो होती है, ठीक है, माइनस एक से बड़ी वैल्यू माइनस एक बटे दो होती है, और एक बटे दो से, एक बटे दो से छोटी वैल्यू माइनस एक बटे दो होती है, तो क्या सोच लिया अपन ने, माइनस एक बटे दो सोच लिया। ठीक है, तो यहां पर माइनस एक बटे दो सोचते हैं, और एफ एफ डैश एक्स जो निकला था अपना, ये था एफ डैश एक्स था, एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करके रखते हैं, टू एक्स माइनस वन यहाँ पर पुट करें, चिन्ह देखते हैं किसका आएगा, ये आएगा माइनस एक बटे दो और माइनस एक, तो कितना आएगा माइनस एक माइनस एक, यानी कि माइनस दो। अब माइनस दो आया, यानी चिन्ह आएगा यहाँ पर, चिन्ह आया माइनस का, क्या का चिन्ह आया माइनस का। अब यहाँ एक बटे दो से एक के बीच में सोच लो, क्या सोच सकते हैं भाई, आधे और एक के बीच में आप सोच सकते हो तीन बटे दो, तीन बटे दो, तीन बटे चार सोच सकते हैं। ठीक है, तीन बटे चार ले सकते हैं, तो तीन चौथाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीन बटे चार आप सोच सकते हो। एक बटे दो देखो, यहां समझने की कोशिश करो, एक एक बटे दो होता है 0.50 और एक होता है एक यहाँ पर, और तीन बटे चार कितना होता है, तीन बटे चार होता है 0.75। ठीक है, तो 0.50 से 0.75 बड़ा होता है, तो 0.75 आप सोच सकते हो। तो यहां पर आपने क्या ले लिया, तीन बटे चार की वैल्यू अगर अपन एफ डैश एक्स में रख के देखते हैं तो चिन्ह काय का आएगा, ये समझते हैं। तो एफ डैश एक्स अपने पास ये है, यहाँ वैल्यू रखेंगे दो, तीन बटे चार माइनस एक इस तरीके से, और ये हो जाएगा दो से काट देंगे तो एक बटे दो बचेगा, तीन बटे दो बचेगा माइनस एक। ठीक है, लासा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, तीन और माइनस दो बटे दो, यानी कि एक बटे दो, प्लस का एक बटे दो मिला, तो चिन्ह काय का मिलेगा यहाँ पर, दूसरे चतुर्थांश दूसरे उसके लिए प्लस का, काय का चिन्ह मिल रहा अपन को प्लस का, तो पहले वाले में मिला चिन्ह माइनस का, दूसरे वाले में मिला प्लस का। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह अपन ज्ञात करते हैं, जो आपको अंतराल दिया रहेगा उसके बीच में कोई संख्या आपको सोचनी है, उस संख्या को आपको एफ डैश एक्स में रख के चिन्ह ज्ञात करना है कि प्लस का चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह पहले वाले के लिए आ रहा था माइनस का चिन्ह, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए आ रहा था प्लस का चिन्ह, है ना, और यहां से आपने क्या कह दिया कि चूंकि पहले वाले अंतराल के लिए, चूंकि पहले वाले अंतराल के लिए एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस है, यानी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, इसीलिए माइनस एक से एक बटे दो में फलन ह्रासमान है, और एक बटे दो से एक के लिए जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो आया, इसीलिए एक बटे दो से एक में फलन वर्धमान है, और जब दोनों को मिलाया माइनस एक से एक के लिए ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है।
तो यहां से आपने देखा कि -1 से 1/2 के लिए जो एफ डैश एक्स का चिन्ह आया वो माइनस आया, और 1/2 से 1 के लिए चिन्ह आया प्लस का। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1/2 में, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, चिन्ह माइनस का आया था ना, तो लेस देन जीरो, इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1/2 में फलन एफ एक्स ह्रासमान हो जाएगा, पहली बात। फिर आपने ये देखा था कि 1/2 से 1 के लिए चिन्ह आया था प्लस का, तो यहां से आप कह रहे हैं कि चूंकि एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से 1 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से 1 में फलन एफ एक्स वर्धमान, ये हो गया। तो यहां से आपने क्या कहा कि चूंकि एक्स बिलोंग्स टू, आप दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि -1 से 1 के लिए कह रहा था, तो चूंकि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 में एफ डैश एक्स का एक ही चिन्ह प्राप्त नहीं होता, एक जैसे चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ था -1 से 1/2 के लिए माइनस का मिला और 1/2 से 1 के लिए प्लस का मिला, तो यहां पर आपने कह दिया कि अतः अंतराल -1 से 1 में फलन एफ एक्स ना तो वर्तमान है और ना ही ह्रासमान है, इस प्रकार से करना था। कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी समस्या आ रही, वीडियो को रिवर्स कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से उसको लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंतराल 0 से π/4 पर निरंतर वर्तमान है, 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो फलन ले लिया आपने एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स ले लिया, और टेन इनवर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/1 + x², ठीक है, 1/1 + x², तो यहां से क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 1/1 + x² का मतलब x की जगह है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिया, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहां से ये हो जाएगा, होल स्क्वायर खोल देंगे नीचे, 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x into cos x, और यहां पर d/dx sin x + d/dx cos x, तो 1/1 + sin² x + cos² x 1 हो जाएगा, और ये 2 sin x into cos x, और sin x का होता है cos x plus cos x का होता है -sin x, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या कर सकते हैं, 1/1 + 1 हो गया 2 + 2 sin x into cos x, और यहां ऊपर आपको मिल जाएगा cos x - sin x, ऊपर कितना आ गया cos x - sin x, ठीक है, ये इंटू में था, ओके। और ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू अपन को मिल गई। अब आपको ये सोचना है कि दोनों के लिए एफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अंतराल कितना था भाई, अंतराल देख लो 0 से π/4, 0 से π/4 का मतलब है 0 से 45 डिग्री के बीच में कह रहा, समझना बात को, तो 0 से 45 डिग्री के लिए कह रहा, तो अब आपको ये सोचना है कि पहला जो दिया ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो उसके लिए क्या होता है, तो पहली बात तो ये जो दिया है अंतराल 0 से π/4 के लिए, वो स्मॉल ब्रैकेट में दिया, छोटे कोष्टक में दिया, स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब 0 नहीं लेना है और π/4 नहीं लेना है ना, यानी 0 45 डिग्री का, 45 डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना, तो 0 45 के बीच में आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, 30 डिग्री, पहली बात तो ये समझिए कि 30 डिग्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको दिया कितना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में कह रहा, जहां पर ना तो आपको 0 इस्तेमाल करना है ना 45, तो इन दोनों के बीच में आपने एंगल ले लिया 30 डिग्री का। अब अगर आप 30 डिग्री का एंगल सोचें, तो पहले वाले के लिए सोच लो cos 30 माइनस का sin 30, तो चिन्ह किसका मिलेगा, तो cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, तो यहां से जो चिन्ह मिलेगा वो प्लस का चिन्ह मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732/2 - 1/2, तो यहां से आप कह रहे हैं 2 और 1.732 - 1, तो मिलेगा 0.732/2, तो चिन्ह का आएगा, आएगा प्लस का चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आया। तो ऊपर वाले के लिए अगर आपने 30 डिग्री रखा तो चिन्ह प्लस का आया, नीचे वाले के लिए अगर देख लो तो 2 + 2 sin x into cos x दिया, ठीक है, 2 + 2 sin x into cos x दिया, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली आपको यहां माइनस तो दिख ही नहीं रहा, 2 + 2 sin x into cos x दिया, तो यहां अगर मैं बात कर लूं तो यहां आप कहीं पर निगेटिव चिन्ह तो देख ही नहीं पा रहे, अगर आप इस पूरे की जगह पर 2 + 2 sin x into cos x में अगर आप 30 डिग्री रखते भी हैं, 30 डिग्री, तो चिन्ह आपको कैसा मिलेगा, सोचिए आप, चिन्ह आपको प्लस का ही मिलेगा, तो ऊपर वाला चिन्ह भी प्लस का हो रहा, नीचे वाला चिन्ह भी प्लस का हो रहा, ये आप सोच पा रहे कि नहीं, जो मैंने कहा अगर 30 डिग्री आपने अंश में रखा तो भी प्लस का चिन्ह मिलेगा,
और अगर 30 डिग्री हर में रखा तो भी चिन्ह प्लस का ही मिलेगा, तो अंश में भी प्लस का चिन्ह मिल रहा, हर में भी प्लस का चिन्ह मिल रहा, इसीलिए 0 से π/2 के लिए जो फलन होगा वो वर्धमान कहलाएगा, जो आपको सिद्ध करना है। तो यहां से आपको क्या लिख देना है कि अंतराल यहां पर कि चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0, और भाई ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, प्लस का चिन्ह, और 2 प्लस 2 sin x इंटू cos x ग्रेटर देन 0, इसीलिए f डैश x ग्रेटर देन 0। तो अतः सिद्ध है कि 0 से π/4 में दिया हुआ फलन वर्धमान है। तो यहां से आप कह देंगे कि अतः x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन एफ एक्स वर्धमान है, ये आपने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर टेन एक्स माइनस 4x अंतराल -π/3 से π/3 पर निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले ये समझिए, समझ लेते हैं कि ये जो -π/3 से π/3 कह रहा है ये क्या कह रहा है। -π/3 से मतलब है -60 डिग्री से 60 डिग्री, इसकी बात कर रहा है ना, पाई बाई थ्री 60 डिग्री होता है, होता है, तो ये बात कर रहा है -60 डिग्री से 60 डिग्री। अब इनके बीच में कौन सा एंगल सोच सकते हो आप 30 डिग्री सोच सकते हो, 45 डिग्री सोच सकते हो। ठीक है, तो ये दो एंगल अपन सोच सकते हैं। तो उसके लिए हल करने के लिए जब एफ डैश एक्स निकलेगा, वहां पर क्या करेंगे कि एक्स के स्थान पे आप 45 डिग्री सोच के देखिएगा कि क्या हो सकता है, वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। ठीक है, और दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी एफ डैश एक्स निकले, आगे भी आपको निकालना पड़ेगा, तो हमेशा उस चीज का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके गुणनखंड जितने भी हो रहे हो उतना करने की कोशिश किया करो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली तो बात कर लेते हैं, जो फलन दिया है, फलन ले लिया x के सापेक्ष, अवकलन कर देंगे d अपॉन dx कर लिया इस प्रकार से, और आपको पता है कि अवकलन किस प्रकार से हो जाएगा, तो f डैश x बराबर हो गया, टेन एक्स का होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x माइनस 4x का 4 बाहर निकल आएगा और x का हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस का 4, तो यहाँ लासा ले लेते हैं, लासा कितना आएगा, लासा आएगा cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा ऊपर कर सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2 cos x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको कितना कर सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x ले लीजिए, और इस तरफ कर सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a+b and a-b। ठीक है, तो यहां से कर लिया 1 माइनस 2 cos x and 1 प्लस 2 cos x, इतना कर सकते हैं। तो फाइनल में आप f डैश x बराबर लिख लीजिए, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, और ये है 1 माइनस 2 cos x and 1 प्लस 2 cos x। ठीक है, अब अंतराल जो था -π/3 से π/3 के लिए था। ठीक है, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू -π/3 से π/3 के लिए, अब मैंने आपको बताया कि -π/3 से π/3 कितना रखना है अपन को, -60 से 60 के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, और -60 से 60 के बीच में 30 भी है, 45 भी है, तो आप क्या करो, एंगल 45 रख के देखो। अगर आपने 45 डिग्री रखा तो एक चीज सोचो, जो पहला है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का मान 45 डिग्री रखेंगे अगर x की जगह, तो प्लस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, के लिए आप देख रहे हैं कि sec स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, sec स्क्वायर x जो होगा वो ग्रेटर देन, sec स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना, sec की वैल्यू ही 45 डिग्री में पॉजिटिव होती है। 1 माइनस cos 2x के बारे में बात करते हैं, 1 माइनस 2 cos x, 1 माइनस 2 cos x के बारे में बात करते हैं, तो 1 माइनस 2 cos 45, 1 माइनस 2 cos 45 का मान 1 अपॉन √2, और √2 से 2 को काटेंगे तो 1 माइनस √2, √2 की वैल्यू 1 माइनस 4 1 4, और तो ये मिल जाएगा माइनस का 0 4 1 4, तो चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। तो यहां पर आपने देखा कि जो ये आ रहा 1 माइनस 2 cos x, इसका चिन्ह आ रहा 0 से छोटा, माइनस का चिन्ह यानी 0 से छोटा, है ना, 1 प्लस 2 cos x। अब यहां पर सब चीज प्लस में, कोई भी माइनस में नहीं है, तो इसका जो मान मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, प्लस में ही मिलेगा, यानी आप कह रहे हैं कि 1 प्लस 2 cos x इसका मान भी 0 से बड़ा। तो यहां पर आपने क्या गौर किया भाई,
जो पहला है उसके लिए माइनस प्लस, दूसरे के लिए माइनस, तीसरे के लिए प्लस। तो ओवरऑल चिन्ह क्या मिलेगा आपको, समझो पहले वाले के लिए क्या मिला था, प्लस, ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या मिला, माइनस, तीसरे वाले के लिए क्या मिला, प्लस। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल चिन्ह, क्योंकि बीच में इनटू का निशान लगा, तो ओवरऑल चिन्ह क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। और अपन को दिखाना था कि ह्रासमान हो रहा है, तो यहां से दिखा दिया कि निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। इस हिसाब से क्या कह सकते हैं, ओवरऑल जो अपन को मिल जाएगा फाइनल तौर पर के लिए, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और जब लेस देन जीरो हो रहा तो कह देंगे कि अतः अंतराल माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री के लिए दिया हुआ फलन निरंतर ह्रासमान। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अतः अंतराल माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री के लिए फलन एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है, जो अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन एफ एक्स एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स माइनस टू स्क्वायर होल स्क्वायर निरंतर वर्धमान अथवा निरंतर ह्रासमान है, ठीक है, ये कह रहा है। तो फलन ले लिया, आपको पता है एक्स के साथ एक अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देते हैं, तो यहां से अपना हो जाए, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का रूल लगाते हैं, तो एक्स माइनस वन का क्यूब डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वन का क्यूब। तो यहां से मिल रहा है एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टू और एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस टू का फिर से अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यानी थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वन, है ना। तो अब यहां से कितना होगा, टू को आगे ले लो, टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस टू का अवकलन कर रहे तो ये मिलेगा वन माइनस जीरो प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का कर रहा है तो वन माइनस जीरो आएगा। अच्छा कॉमन कितना निकल रहा, एक तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और एक एक्स माइनस टू आ जाएगा कॉमन, है ना, पूरे से। तो अंदर बच जाएगा टू एक्स माइनस वन और प्लस थ्री एक्स माइनस टू, इतना बच जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, और यहां से कितना आ जाएगा, ये टू का गुणा करेंगे तो टू एक्स और माइनस टू प्लस थ्री एक्स और माइनस सिक्स। तो ये हो रहा है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, और यहां से निकल के आएगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस एट। अब यहां से x की वैल्यू निकाल के अंतराल बना लेते हैं सबसे पहले, तो f डैश x बराबर अगर आपने जीरो किया तो यहां से x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू एंड फाइव एक्स माइनस एट बराबर जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मिलेगा एक दो और आठ बटे पांच, ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसको अपन को आठ बटे पांच जो होता है वो दो से छोटा होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं एक आठ बटे पांच एंड दो। और आपको पता है माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में इन्फिनिटी लेके अंतराल बना देंगे। तो यहां से आपने चार अंतराल दिखा देंगे, अंतराल, ठीक है, अंतराल कितने बन जाएंगे, ये अंतराल यहां से आप दिखा रहे हो माइनस इन्फिनिटी से वन, ठीक है, कितना, माइनस इन्फिनिटी से वन, एक तो ये, दूसरा वन से एट अपॉन फाइव, फिर एट अपॉन फाइव से टू के लिए एक बना दोगे, और टू से इन्फिनिटी के लिए, टू से इन्फिनिटी के लिए अंतराल आप दिखा देंगे इस तरीके से। अब ये चार अंतराल में आप एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकली थी, ये कितना था, ये था एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये जो एफ डैश एक्स आपने ज्ञात किया, इसके लिए आप चिन्ह देखेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा। तो पहला क्या कह रहा, माइनस एट माइनस इन्फिनिटी से वन, पहला है माइनस इन्फिनिटी से वन के लिए, तो एक से छोटा मान सोच लो। अब एक से छोटा मान आपने जीरो सोचा, ठीक है, एक से छोटा मान क्या सोचा, जीरो। तो वैल्यू पुट करके देखें, एफ डैश एक्स कितना था, चिन्ह ज्ञात करते हैं, एफ डैश एक्स था एक्स माइनस वन स्क्वायर, ये था, ठीक है, एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस टू एंड फाइव एक्स माइनस एट, ये था। अगर आपने एक्स का मान जीरो रखा, एक्स का मान जीरो रखा तो कितना मिलेगा, माइनस एक का स्क्वायर मिलेगा, यहां पर रखने पर माइनस दो मिलेगा, यहां पर रखने पर माइनस आठ मिलेगा, तो ये मिलेगा एक, और यहां पर मिलना है माइनस दो माइनस आठ, तो ये चिन्ह काय का हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस सोलह आ रहा, प्लस सोलह का मतलब पहले वाले के लिए चिन्ह जो आ गया, यहाँ के लिए पहले वाले के लिए चिन्ह आ गया प्लस का, ठीक है,
यहां पर पहले वाले के लिए चिन्ह आ गया प्लस का, यहां पर आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स का चिन्ह, ठीक है। तो पहले वाले के लिए आ गया चिन्ह प्लस का। अब एक से आठ बटे पांच, अब जरा ये सोचो यहां पर ये आठ बटे पांच का मतलब कितना हुआ, ये हो गया 1.6, है ना, 1.6 कितना हो गया, एक आठ पांच का भाग दोगे तो 1.6 आएगा। अब एक और 1.6 के बीच में आप 1.5 सोच सकते हो, ठीक है भाई, एक है अंतराल कितना, एक और 1.6 है, अब इसके बीच में आप क्या सोच सकते हो, 1.5 सोच सकते हो, 1.5 का मतलब कितना है, 3/2। तो x का मान 3/2 रख के देखते हैं, ये जो अंतराल दिया है दूसरा वाला, इसके लिए चिन्ह क्या मिलता है, तो अगर आपने 3/2 रखा तो x की जगह यहाँ पर x की जगह 3/2 रखना है, तो 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 3/2 माइनस 2 एंड 3/2 गुणे 5 माइनस 8 इतना है, तो 3/2 में से एक जाएगा तो बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, यहां से जाएगा तो बचेगा माइनस का 1/2, 3/2 में से लासा लोगे तो 4 में से 3 जाएगा, तो माइनस 3 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 15/2 माइनस 8, तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर भी बचेगा माइनस का 1/2, तो ये आएगा 1/4 माइनस का 1/2 और ये आएगा माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, यानी दूसरे वाले के लिए चिन्ह मिल रहा है हमको प्लस का, दूसरे वाले के लिए किस तरीके का चिन्ह मिला, दूसरे वाले के लिए भी चिन्ह मिल गया प्लस का। अब तीसरे वाले की बात करो, तो यहां पर 8/5 का मतलब था 1.6 और ये था 2, ठीक है, तो इनके बीच में आप क्या सोच सकते हो, 1.6 से 1.75 सोच सकते हो, 1.75, अब 1.75 का मतलब हुआ 1.10 हटाओगे तो 100, 25 सत्ते और 25 चौको 4, 7/4 सोच सकते, ठीक है। यहां पर ये आपकी जो वैल्यू है वो इसके लिए 8/5 से 2 के बीच में आपने 7/4 सोच लिया, ठीक है, 7/4 है इसको अपन रखते हैं वैल्यू को और देखते हैं चिन्ह किसका मिलेगा, तो 7/4 माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो रहा है 7/4 माइनस 2 और 5×7/4 माइनस का 8, ठीक है, तो 7/4 कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/4 मिलेगा, यहाँ पर 7×35/4 माइनस 8, तो 7×32 और 3/4 मिल जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, ये तो हो रहा है 9/16 पहला वाला, फिर आगे हो रहा माइनस का 1/4 और यहां पर मिल रहा है 8×32 3/4, तो चिन्ह का आ रहा, ओवरऑल चिन्ह माइनस का आ रहा, तो तीसरे वाले के लिए जो तीसरा आपका अंतराल था, तीसरे अंतराल के लिए आपने चिन्ह निकाला माइनस का, ठीक है, तो यहां पर तीसरे वाले के लिए चिन्ह का आ रहा माइनस का। अब आते हैं चौथा, 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी के लिए सिंपली आप 3 रख के देख लो, सिंपल है ना, 2 से बड़ा रखना है तो 2 से बड़े के लिए क्या, 3 रख के देखते हैं, तो 3 रख के अगर आपने सोचा तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर देन 3 - 2 5×3 - 8, तो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर फिर 1 मिलेगा, ये 15 - 8 मिलेगा, तो सिंपल प्लस आएगा, ये 4 हो रहा है गुणे 1 हो रहा है गुणे 7 हो रहा है, ठीक है, 8 + 7 = 15 तो 7, तो ओवरऑल यहाँ से चिन्ह किसका मिला, प्लस का चिन्ह मिला। तो चौथे वाले के लिए किसका चिन्ह मिला, चौथे वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो चौथे वाले पर भी प्लस का चिन्ह मिला, तो 3 जगह प्लस का चिन्ह मिला, तो जहां जहां प्लस का चिन्ह मिलेगा उस वहां पर अंतराल को यूनियन में करके वर्धमान दिखा दोगे, ठीक है, वहां पर यूनियन को यूनियन में करके सारे अंतरालों को वर्धमान दिखा दे रहे हो, और बाकी एक जगह माइनस का मिल रहा है चिन्ह तो उस जगह पर हाफ मान दिखा देंगे, तो चौथे वाले के लिए चिन्ह मिला था प्लस का। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, इसीलिए कि एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1 एंड यूनियन और 1 से 8/5 दूसरे के लिए और चौथे के लिए 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसमें मैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चूंकि, ठीक है, तो यहां से कह रहे हैं इसलिए कि फलन एफ एक्स अंतराल, फलन एफ एक्स अंतराल -∞ से 1 और यूनियन 1 से 8/5 एंड यूनियन 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान है, यहां पर आपने दिखा दिया इंक्रीजिंग हो रहा है जो फंक्शन वर्धमान है, ठीक है, फंक्शन इस अंतराल में इंक्रीजिंग हो रहा और एकमात्र 8/5 से 2 के लिए डिक्रीजिंग हो रहा था, तो यहां से आपने दिखाया कि चूंकि फलन एक्स बिलोंग्स टू कहां से 8/5 से 2 के लिए 8/5 से 2 में मैं
एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, इसीलिए फलन एफ एक्स, इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल अंतराल 8/5 से 2 में ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान है। इस तरीके से आपको दिखाना था, सवाल आपसे पूछ रहा था कि कहां पर वो जो वर्तमान हो रहा है और कहां पर ह्रासमान हो रहा था, तो इतना आपको दिखाना था, ठीक है, निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान पूछ रहा था, तो ये आपने दिखा दिया। अच्छा, निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान कह रहा था ना, तो बड़े ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान रखिएगा। निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान के लिए यहां पर आप क्या करेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, यहां पर सबके लिए यहां पर स्मॉल ब्रैकेट आप लगाएंगे, बस और कुछ नहीं, निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान के लिए स्मॉल ब्रैकेट ले लोगे और कुछ नहीं, ठीक है, इतनी सी बात थी बस। तो ये आपका निरंतर, मैं निरंतर निरंतर वर्तमान है ना, यहां पर निरंतर वर्तमान स्मॉल ब्रैकेट में बात कर लेंगे, क्योंकि निरंतर ह्रासमान निरंतर वर्तमान कह रहा था ना, यहां पर भी आप स्मॉल ब्रैकेट कह देंगे, और निरंतर में निरंतर ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको कह रहा है उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन एफ एक्स बराबर साइन थ्री एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 के लिए कह रहा है वर्तमान अथवा ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा कहता हूँ ये जो आपको अंतराल दे रखा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता है फलन ले लिया, फलन एफ एक्स बराबर साइन थ्री एक्स, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन थ्री एक्स, अवकलन करते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, अच्छा साइन थ्री एक्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थ्री एक्स, और थ्री एक्स का फिर से अवकलन करेंगे अपन तो डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स। यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, थ्री एक्स का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और एक्स का हो जाएगा 1, तो यहां पर आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा, 3 को अंग ले लीजिए तो 3 कॉस थ्री एक्स इतना मिल जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया एफ डैश एक्स। अब मैंने आपसे कहा कि वर्तमान और ह्रासमान ज्ञात करने के लिए जो एफ डैश एक्स है उसको बराबर 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो और वहां से अंतराल निकाल लेंगे, तो यहां से क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर आपने 0 रखकर 3 कॉस 3x की वैल्यू बराबर 0 रखी, तो यहां से हो जाएगा कॉस 3x बराबर 0, 3 का भाग दे दिया। अब कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कॉस 90 में होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 3x बराबर कॉस पाई बाई 2 रख सकते हैं, यानी कि 3x बराबर आप क्या कह रहे हो पाई बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 3 का भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। अब आपको x का मान पाई बाई 6 मिल गया और अंतराल कितना दे रहा था, वो अंतराल आपको कह रहा था x बराबर 0 से पाई बाई 2 के लिए, तो यहां से आप अंतराल देख लेंगे, एक इस लेफ्ट साइड में ले लोगे 0 और राइट साइड में ले लोगे पाई बाई 2, ठीक है, तो यहां से अंतराल बना दिए, एक अंतराल तो बन जाएगा 0 और पाई बाई 6 का, ठीक है, और एक अंतराल बन जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 का, तो ये दो अंतराल आप बना लोगे, समझ गए ना, इस तरीके से अंतराल बनाने हैं, हर बार मैंने यही चीज बताई आपको, तो अंतराल ले लेते हैं, अंतराल बना लिए अंतराल। अब अंतराल कितने बने, एक तो बना 0 से पाई बाई 6 के लिए बना, ठीक है, और एक बन गया पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के लिए, और 0 और पाई बाई 2 क्यों रखा था अपन ने, क्योंकि आपको दे रखा था, ठीक है। अब यहां पर देखोगे कि पहले अंतराल में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, तो यहां पर देख लेते हैं एफ डैश एक्स का चिन्ह, ठीक है। अब 0 से पाई बाई 6 का मतलब है 0 से आप वैल्यू सोच रहे हो 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 डिग्री के बीच में वैल्यू सोच रहे हो, तो अगर आपने 30 डिग्री की वैल्यू सोची, समझना बात को, अगर आपने 30 डिग्री की वैल्यू सोची तो एफ डैश एक्स कितना है, 30 डिग्री सोच के देखो तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी 3 कॉस 3x, ठीक है, 3 कॉस 3x, तो यहां पर अगर आपने यहां पर पहले वाले के लिए 30 डिग्री रखा तो ये जाएगा 3 और कॉस 3 और ये हो जाएगा कॉस 3x, 30 डिग्री की बात कर रहा था ना, तो अगर आप सोचोगे तो ये हो जाएगा x का मान 30 डिग्री रखो तो हो जाएगा 90, ठीक है, कॉस 90, ठीक है। अच्छा, कॉस 90 का मान 0 होता है तो टोटल वैल्यू 0 हो रही, अब ये याद रखो कि 0 ना प्लस में आता है ना माइनस में आता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि यहां पर ये पाई बाई 6 ही, देखो ये पाई बाई 6 ही 30 डिग्री है, और अगर आप पाई बाई 6 से पहले अंतराल की अगर मैं बात करूं तो पहले अंतराल में आप 30 डिग्री से ज्यादा वैल्यू नहीं लोगे, और जैसे ही आपने 30 डिग्री से कम वैल्यू ली
ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी, या तो आप 15 डिग्री ले रहे हैं या 20 डिग्री ले रहे हैं और आपको इसका मान तो पता नहीं है। जैसे ही आप ये वैल्यू लोगे और यहां पर कॉस के लिए मान रखोगे, तो कॉस की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी। तो पहले अंतराल के लिए ये समझिए आप, देखिए क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लो 20 डिग्री रखा, ठीक है, मान लो चलो यहां पर आप सही है, यहां पर 20 डिग्री रखते हैं, चलो 0 से π/6 के लिए आप 20 डिग्री सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो। तो जैसे ही अगर आपने यहाँ पर 20 डिग्री रखा, तो 20 30 60 हो जाएगा, आपको पता है 60 होता है 1/2, तो यहाँ पर देखो 1/2 के हिसाब से 3 × 1/2, यानी ये पॉजिटिव आएगा चिन्ह। तो पहले अंतराल के लिए जो चिन्ह आना है वो पॉजिटिव का ही आना है, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। पहले अंतराल के लिए जो चिन्ह आना है वो पॉजिटिव का चिन्ह आना है, तो पहले अंतराल के लिए चिन्ह हो गया भाई प्लस का, तो यहां आपने कह दिया पहले के लिए तो हो गया प्लस। दूसरे की बात कर लो, π/6 से π/2 कह रहा, तो π/6 कितना होता है 30 डिग्री और π/2 होता है 90 डिग्री, तो 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आप क्या सोच सकते हो, आप सोच सकते हो 45 डिग्री, 45 सोच सकते हो, 60 सोच सकते हो। तो आपने 45 डिग्री अगर वैल्यू सोची, तो 45 डिग्री अगर हम रखेंगे, f'x बराबर कितना था, f'x बराबर था 3 cos 3x, तो अगर x की जगह 45 डिग्री रखा अपन ने 3 cos 3 × 45, तो 3 × 45 कितना होता है 135। अब 135 कहां पहुंच गया, जो 135 डिग्री होगी वो तीसरे दूसरे चतुर्थांश पहुंच जाएगा। 135 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस काय में होता है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहां से आप साफ तौर से कह रहे हो जो पहला अंतराल रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा अंतराल माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कह रहे हो कि एफ डैश एक्स का चिन्ह दूसरे अंतराल के लिए माइनस का आ रहा, तो यहां पर क्या कह रहे हो कि एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/6, 0 से π/6 में f डैश x ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन f(x) अंतराल 0 से π/6 में, 0 से π/6 में कैसा है, वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है, ये आपने देखा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरे अंतराल की जो दिया था, यहां से आप क्या कह रहे हैं, और एक्स बिलोंग्स टू π/6 से π/2 में एफ डैश एक्स कैसे देख रहे थे, लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इसीलिए फलन एफ एक्स, इसीलिए फलन एफ एक्स अंतराल अंतराल किसमें, π/6 से π/2 में, अंतराल π/6 से π/2 में ह्रासमान है। बहुत ही सिंपल तरीके से है, कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पता है रिवर्स करके अच्छी तरीके से समझना है सवाल को, और सवाल कोई कठिन नहीं है, इस तरीके के सवाल आपके कठिन नहीं होते, बस आपको समझने की बात होती है, मेनली फोकस कीजिए कि आप ये चीज समझ पा रहे कि नहीं। कोई भी दिक्कत होती है रिवर्स करिए अच्छे से फिर से। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 < x > 2π निरंतर वर्धमान अथवा निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ गौर करने वाली बात है, ये जो आपको 0 > x > 2π दे रहा, इस हिसाब से अंतराल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x belongs to 0 से 2π। अब ये याद रखना, यहाँ पर 0 से 2π की बात कर रहा है, यानी चारों चतुर्थांश की बात कर रहा है, 0 से 2π यानी 0 से 360 डिग्री की बात कर रहा। और ऊपर वाले सवाल में आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाले जो सवाल ये था, इसमें आपको कह रहा था वो 0 से π/2 यानी सिर्फ एक ही चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहा था 0 से 90 डिग्री की, तो वहां पर अपन ने सिर्फ एक वैल्यू मानी थी, ठीक है ना, कॉस के लिए 0 का मान अपन ने सिर्फ π/2 लिया था। लेकिन यहां पर जब वैल्यू करेंगे तो यहां पर 360 के बारे में बात कर रहा, तो फिर पूरे देखेंगे अपन को कैसे करना है, क्या करना है, ये समझते हैं, ठीक है। तो फलन दे दिया x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, इतना तो अपना क्लियर है और इतना तो करना ही करना है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, अच्छा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए मैंने आपसे कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, यहां से आप एफ डैश एक्स का मान 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करते हो, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0, अच्छा साइन एक्स को वहां ले जाओ या कॉस एक्स को वहां ले जाते हैं, तो माइनस का साइन एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा कॉस एक्स का पक्षांतर कर लो, कॉस एक्स के साथ आप एक का गुणा मान सकते हो, तो माइनस का साइन एक्स अपॉन में माइनस का कॉस एक्स बराबर 1 रख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टेन एक्स बराबर 1, और टेन की वैल्यू 1
कहाँ होती है, 45 डिग्री में होती है। लेकिन याद ये रखो, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो आपको एंगल लेना है वो 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 के बीच में लेना है। अब टेन का मान प्लस एक कहाँ कहाँ होता है, तो टेन का मान प्लस में पहले चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में होता है। और पहले चतुर्थांश में टेन की वैल्यू एक होती है 45 डिग्री के लिए, और तीसरे चतुर्थांश में होती है 225 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हैं कि भाई जो टेन एक्स होगा वो होगा टेन 45 डिग्री और इसके अलावा टेन 225 डिग्री, ये दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हैं कि टेन एक्स का मान, टेन 45 का मान फाइव पाई बाई फोर, और टेन 225 होता है 5π/4। तो यहां से एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 5π/4 एंड 5π/4। अब मैंने आपसे कहा कि अंतराल बनाओगे, अंतराल किस हिसाब से बनाओगे, ये 0 से 2 पाई के लिए बनाओगे। तो लेफ्ट साइड में 0 ले लो, इस तरफ आप 0 ले लोगे और इस तरफ 2 पाई ले लोगे। तो अंतराल आपने बनाए, तो यहां से आप अंतराल के लिए क्या कह दोगे कि भाई अंतराल कितना निकल गया है, अंतराल हो जाएंगे ये, एक तो हो जाएगा 0 से पाई बाई फोर के लिए, ठीक है, एक ले लिए 0 से पाई बाई फोर के लिए, और एक आ जाएगा पाई बाई फोर से 5π/4 के लिए। ठीक है, और एक ले ले सकते हैं अपन 5π/4 से 5π/4 से 2π के लिए। ठीक है, अब एफ डैश एक्स का आपको चिन्ह देखना है कि एफ डैश एक्स का जो चिन्ह आएगा वो किस हिसाब से आएगा। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह, ठीक है, तो अब किस अंतराल में जो चिन्ह आ रहा है प्लस माइनस का किस हिसाब से आ रहा है, तो 0 से पाई बाई फोर की बात कर लेते हैं पहले वाले के लिए। तो 0 से पाई बाई फोर यानी 0 से 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल अपन 30 डिग्री सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले के लिए अपन ने 30 डिग्री सोचा, और एफ डैश एक्स, एक्स कितना था, एफ डैश एक्स था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाला आपने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो रखते हैं, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब 30 डिग्री सोचिए, तो 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 माइनस का साइन 30, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहां से कॉस 30 का मान 1.732 और माइनस एक लास आएगा 2 का, तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव में ही मिलेगा, 0.732/2। तो ये क्या है आपका, पॉजिटिव चिन्ह आ रहा। तो यहां आप कह सकते हो कि पहले वाले के लिए जो पहला वाला है उसके लिए तो चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है, पहले वाले के लिए हो गया चिन्ह प्लस का। अब बात कर लो दूसरे वाले के लिए, तो 5π/4 से पाई बाई फोर से 5π/4 यानी ये है 45 डिग्री और ये 225 डिग्री। अब इसके बीच में आप सोचो कौन सी वैल्यू आप सोच सकते हो, चाहो तो 135 सोच लें या फिर 45 से ऊपर 60 सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, है ना भाई। 45 है और 225 के बीच में कह रहा, तो 45 से जस्ट बड़ी 60 होती है, 60 की वैल्यू आपको याद होती है ना, तो 60 सोच सकते हैं। तो 60 की वैल्यू अगर अपन ने रखी कॉस एक्स कॉस 60 माइनस का साइन 60, ठीक है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। तो यहां से जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, क्यों, लास आएगा 2 का, यहाँ बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 3 का मान 1.732। अब 1 से घटाओगे तो आएगा माइनस का जो कुछ भी आएगा, क्योंकि 1 आपकी छोटी संख्या है तो जो कुछ भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो दूसरे वाले के लिए चिन्ह आना है माइनस का, ठीक है, तो यहां पर जो चिन्ह आ गया वो हो गया माइनस का, यहाँ पर दूसरे वाले के लिए चिन्ह ले लिया अपन ने माइनस का। अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, तो 5π/4 यानी 225, अब 225 और 2π होता है 360, तो इसके लिए सोचो, तो अगर आप चाहो तो इसके लिए 300 सोच लियो। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपन ने 300 डिग्री सोच लिया, तो अगर हम चिन्ह ज्ञात करते हैं तो कॉस 300 माइनस साइन 300। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 60 माइनस साइन 360 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं भाई, 300 को 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। आपको पता है 360 वाला सिस्टम क्या होता है, 360 में 360 को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस 60 माइनस साइन माइनस 60। ठीक है, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है, जब 360 माइनस 60 होगा तो 360 को अपन टोटली हटा देते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, अच्छा कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो प्लस में हो जाता है, कहने का मतलब कॉस माइनस थीटा है तो उसे अपन कॉस थीटा बोलते हैं, तो यहां से हो जाएगा कॉस 60, और साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस बाहर निकल आता है, यानी माइनस का साइन 60 हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन 60 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, कॉस 60 प्लस साइन 60 यानी कहीं पर भी आपको माइनस का चिन्ह मिल सकता है, नहीं, कॉस 60 और साइन 60 को अगर आप जोड़ते हो तो किसी भी स्थिति में माइनस का चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव है तो तीसरे वाले अंतराल के लिए चिन्ह किस तरीके से मिलेगा, तीसरे वाले अंतराल के लिए जो आपको चिन्ह मिलेगा वो प्लस का मिल जाएगा। तो इस तरीके से सोचना है आपको,
चिन्ह आपने सोच लिए तो आपको पता प्लस के लिए वर्धमान हो जाएगा और माइनस के लिए ह्रासमान हो जाएगा सिंपली। तो आप वर्धमान कहां कहां दिखा रहे हो, ये 0 से पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के लिए वर्धमान हो रहा है। इसके अलावा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 ये दूसरा अंतराल है उसके लिए ह्रासमान हो रहा था। तो सिंपली आप वही लिख दोगे कि यहां पर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए वर्धमान है, और यहां पर आपका लेस देन एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो रही निगेटिव हो रही तो वहां पर ह्रासमान हो गया। तो जैसे आपने देखा कि अंतराल आपने बना लिए और एफ डैश एक्स का चिन्ह निकाल लिए। तो सवाल आपको आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी वर्तमान ह्रासमान में कि किस प्रकार से आपको अप्रोच रखना है सवालों को समझने की लगाने की, ठीक है। और बाद में आपको ये लिख देना है कि चूंकि x belongs to 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 अर्थात एफ डैश एक्स धनात्मक है इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में वर्धमान हो रहा था। इसके अलावा और x belongs to 5 पाई बाई 4 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 अर्थात एफ डैश एक्स ऋणात्मक है अतः फलन एफ एक्स अंतराल पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में ह्रासमान है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।